हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो PWD में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज आप बात करेंगे अपने जैसा इलेक्ट्रिक का रूम, जिधर मैं खड़ा हूँ देखिए पूरा मेरा इलेक्ट्रिक का रूम है। अभी हम वायर का टेस्टिंग कर रहे हैं, देखिए पूरा इसमें जो है पूरा लाइट का वायर है, पूरा लाइट का चैनल है इसमें। चैनल सिस्टम है ना, इसमें कोई स्विच व्यूच नहीं रहता, बस चैनल सिस्टम होता है, की पैड से चलता है, और इसके लिए जो कंट्रोल करता है वो LCP होता है। तो यही वायर दिखाने के लिए, आपको कितना वायर है इलेक्ट्रिक का रूम यही सब दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और LCP का और कीपैड का और चैनल का वीडियो मैं बनाऊँगा उसको अलग से। पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ये इधर 2 dB आएगा, एक या लाइट का 2 dB आता है उसमें, उसी का ये पूरा वायर है। देखिए ये पूरा वायर है इलेक्ट्रिक का रूम में, इतना वायर आता है। अभी हम इसका टेस्टिंग कर रहे हैं, ये आधा वायर, आधा नहीं लगभग 40% हमारा वायर टेस्ट हो गया, चेक हो गया है, बाकी सब बाकी है, उसका भी टेस्टिंग कर रहे हैं। देख लीजिए यह है सब वायर, ये वायर है, ये हमारा मीटर है। मीटर के बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे कैसे मीटर से चेक करते हैं, पूरा दिखाएंगे आपको कि मीटर से कैसे वायर चेक करते हैं। और पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बार, बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग आते हैं वीडियो देख चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो देखिए हमारा पूरा 2.5 का इसमें वायर है, 2.5 का है, कुछ 4 mm का है। 4 mm का वो वायर है जो काटन मोटर का होता है, मतलब पर्दे का होता है, जो ये ग्लास लगा रहता है ना उसके लिए पर्दा होता है, उसके लिए 4 mm का काटन मोटर का हम वायर यूज करते हैं, 4 mm का काटन मोटर के लिए। पावर का हमारा पूरा वायर नीचे से आता है, देखिए वो जैसे देख रहे हैं ना, तो हमारा पावर का नीचे है, ऊपर से जो आया है पूरा हमारा लाइट का है और काटन मोटर का है। ठीक है, देखिए ये रेड कलर का है ये वायर है, इसको हम चेक कर लिए हैं, इसका रोल बना कर रखते हैं, बाकी जो चेक किए हैं इधर हम रोल बना के रखे हैं, बाकी ये सब वायर पूरा अभी चेक करना है, ये पूरा वायर चेक करना है, पूरा वायर, ये पूरा लाइट का वायर है, देख लीजिए AC का भी वायर दिखाएगा आपको। ये पूरा 2.5 का लाइट का वायर है, इसमें देखें, इसमें जैसे 3 वायर खींचा, इसमें ये 5 वायर है, इसमें एक अर्थिंग है, तो इसका 2 चैनल होता है। एक सर्किट का किसी का 2 चैनल होता है, किसी का 5 चैनल होता है, किसी का 6 चैनल होता है, लेकिन सर्किट एक ही होता है और चैनल अलग अलग होता है, एक की पैड सिस्टम होता है, इसमें स्विच कोई नहीं रहता। आपको ड्राइंग का मैं एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा की पैड का और चैनल का, कि कितना चैनल आता है एक सर्किट में। कितने भाई, देखो यार इतना वायर है यार, इसमें से एक एक वायर खोज खोज के चेक करना पड़ रहा है, एक एक वायर मालूम है किसके लिए खोजना पड़ रहा है, क्योंकि उधर सीलिंग जिधर बंद हो रहा है उधर से हम लोग, जिधर जिधर सीलिंग बंद हो रहा है उधर उधर टेस्टिंग फाइनल कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए हमको एक एक वायर खोजना पड़ रहा है जिस एरिया का, इसमें मार्किंग जो मारा उसमें सब टेप मार दिया ना, इसके लिए खोजना पड़ा, मार्किंग खुला रहता तो हमको मालूम पड़ जाता। सब देखिए फ्रेंड, ये सब रूप से हमारा AC का वायर है, ये AC का वायर है, ये पूरा रूप से देखिए वो पाइपिंग हुआ है, वो पाइपिंग से AC का वायर हमारा है, सब 6 mm का, AC का जितना वायर होता है ये 6 mm का वायर होता है। मैं वीडियो भी डाला था कि AC का वायर खींच रहा था उस टाइम का, ये हमारा 6 mm का AC का वायर है, देख लीजिए।
ये पूरा टैंकिंग लग के बाद में टैंकिंग के अंदर से आएगा, तो पूरा हमारा रूप है ए सी का।